हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ इस्मान और आप देख रहे हो टीच टू टीच बाय सुमन। फ्रेंड्स, यदि आप लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाना चाहते हो या लाइब्रेरी साइंस का आप कोर्स कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अभी हमने जो टारगेट ले रखा है वो एग्जाम ले रखा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी वीडियो कवर कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो BRIS 1-2 से रहेगा। BRIS 2-1 से रिलेटेड मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देखिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसोर्स शेयरिंग है, यानी संसाधन सहभागिता। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि संसाधन सहभागिता का क्या अर्थ होता है और लाइब्रेरी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, संसाधन सहभागिता कोई नई चीज नहीं है। पुस्तकालय सहयोग संसाधन सहभागिता का पुराना नाम है, यानी संसाधन सहभागिता को हम पहले किस नाम से जानते थे? पुस्तकालय सहयोग। मीन्स एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी के साथ अगर सहयोग करती थी तो उसको हम क्या बोलते थे? पुस्तकालय सहयोग। अब हम संसाधन सहभागिता का अर्थ अगर हम समझे तो संसाधन सहभागिता का अर्थ या पुस्तकालय सहयोग का अर्थ होता है दो या दो से अधिक पुस्तकालय मिलकर किसी कार्य को जो पूरा करते हैं उसको बोलते हैं संसाधन सहभागिता। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दो या दो से अधिक मिलकर लाइब्रेरी किसी कार्य को पूरा करती है तो उसको हम संसाधन सहभागिता बोलते हैं या पुस्तकालय सहयोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या होता है पुस्तकालय सहयोग का? छोटे छोटे पुस्तकालय भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसकी अब ये छोटे छोटे लाइब्रेरीज अपनी सेवाएं कैसे प्रदान करते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की डेट में पुस्तकों का भंडार बहुत ज़्यादा है तो कोई भी लाइब्रेरी उसको खरीद नहीं सकती और किसी भी लाइब्रेरी के पास समस्त पुस्तकें नहीं होती और यूज़र न जाने कौन सी पुस्तक कब मांग ले। तो छोटी छोटी लाइब्रेरी के पास भी जो पुस्तकें रखी होती हैं उनको भी हम संसाधन सहभागिता के माध्यम से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपसी सहयोग की भावना विकसित होती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि पुस्तकालय सहयोग में जो एक कर्मचारी होता है वो दूसरी लाइब्रेरी में जाके क्या करता है? कार्य करता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों में आपसी संबंध में मधुरता आती है, भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट है ऑनलाइन कंप्यूटर सेवा प्रदान करना। कुछ लाइब्रेरी जो होती है वो ऑनलाइन सेवा प्रदान करती है, जैसे एनलिस्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्या है? ये ऑनलाइन सर्विस सेवा प्रदान करती है, मतलब कोई भी लाइब्रेरी इसको यूज कर सकती है, कोई भी यूजर इसको यूज कर सकता है। तो वो संसाधन सहभागिता का एक लाभ है। नेक्स्ट क्या होता है? शोध कार्यों में वृद्धि होती है। रिसर्च आज की डेट में बड़े पैमाने पे की जाती है और रिसर्च के तहत पुस्तकों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उस पुस्तकों की जरूरत को हम किसके द्वारा पूरा करते हैं? संसाधन सहभागिता के माध्यम से। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक पुस्तकालयों के आय के स्रोत बहुत सीमित है, ये उनकी मांग को भी पूरा करते हैं। यदि हम बात करें पब्लिक लाइब्रेरीज की तो पब्लिक लाइब्रेरीज के पास इतने आय के साधन नहीं है कि वह सभी चीजों को पूरा कर सके या अपनी फैसिलिटी दूसरों को प्रोवाइड करा सके। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? संसाधन सहभागिता अपनाते हैं। संसाधन सहभागिता का अपनाने का मतलब ये होता है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी के पास जो सेवा नहीं होती है वो अदर लाइब्रेरी के पास रेफर है, मतलब ट्रांसफर कर दिया जाता है यूजर को। तो सार्वजनिक पुस्तकालय के आय के स्रोत जो है वो बहुत सीमित हैं, तो इसी के लिए संसाधन सहभागिता की आवश्यकता होती है। संसाधन सहभागिता के माध्यम से यूजर की मांग को अन्य लाइब्रेरी से पूरा किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी को पूरा करती है। अगर पुस्तकालय में किसी पुस्तक की कमी है तो हम संसाधन सहभागिता के माध्यम से उस पुस्तक को किसी दूसरी लाइब्रेरी से मंगाकर यूजर की मांग को हम पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने समझा कि संसाधन सहभागिता का क्या अर्थ होता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी आवश्यकता क्या होती है। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा संसाधन सहभागिता के लाभ क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे संसाधन सहभागिता की आवश्यकता क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो रंगनाथन के अनुसार पुस्तकें सबके लिए हैं तथा प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। अगर आपने 5 फ्लोज के बारे में पढ़ा होगा तो 5 फ्लोज में रंगनाथन ने अपना सिद्धांत दिए थे कि पुस्तकें जो है वो सबके लिए हैं और प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले।
तो उसी को पूरा करने के लिए संसाधन सहभागिता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है कागज तथा मशीनीकरण के कारण पुस्तकों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, तो उस तीव्र गति से वृद्धि हो रही है तो उसके लिए भी हम संसाधन सहभागिता को अपनाते हैं और संसाधन सहभागिता के माध्यम से प्रत्येक पुस्तकों को हम यूजर के लिए अवेलेबल रखते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास होना। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है जिसके चलते ज्ञान में तेजी से विकास हो रहा है, तो कोई भी लाइब्रेरी पूरा ज्ञान अपने पास नहीं रख सकती, इसीलिए हमें क्या होती है संसाधन सहभागिता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा पाठक को श्रेष्ठ सेवा प्रदान करना। लाइब्रेरी का जो सबसे ज्यादा मोटिव रहता है कि पाठक को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान करना, और यदि पाठक लाइब्रेरी में आता है तो उसकी मांग को वो पूरा करना, इसीलिए हमें क्या होती है कि संसाधन सहभागिता की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने संसाधन सहभागिता का अर्थ समझा, संसाधन सहभागिता के लाभ समझे, संसाधन सहभागिता की अभी आपने आवश्यकता पढ़ी। अब हम बात करेंगे संसाधन सहभागिता के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। हम बात करेंगे संसाधन सहभागिता के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि पुस्तकालय के सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, कि पुस्तकालय में जितने भी सीमित संसाधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग हो, तो वो उपयोग संसाधन सहभागिता के माध्यम से पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है संसाधनों की उपलब्धता में सुधार करना। जितने भी हमारे पास संसाधन रखे हुए हैं उसमें परिवर्तन करने के लिए भी हम क्या करते हैं संसाधन सहभागिता को अपनाते हैं। पाठकों की आवश्यकता के लिए पुस्तकालयों की क्षमता में वृद्धि करना, कि पुस्तकालयों को हमें इस तरीके से तैयार करना है कि हम पाठक की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और उसके लिए भी हम क्या करते हैं संसाधन सहभागिता को अपनाते हैं। संसाधन सहभागिता के माध्यम से क्या होता है कि एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी को अपने टच में रखती है ताकि यूजर को वो अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। तो संसाधन सहभागिता का एक नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता का, कि प्रत्येक व्यक्ति पुस्तक का लाभ उठा सके, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको भी पुस्तक का लाभ मिल सके, इसलिए भी हम क्या करते हैं संसाधन सहभागिता को अपनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने संसाधन सहभागिता का अर्थ समझा, लाभ समझे, आवश्यकता समझी, उसके उद्देश्य समझे। अब हम बात करेंगे क्षेत्र के संसाधन सहभागिता किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। अब हम संसाधन सहभागिता के क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि संसाधन सहभागिता किन किन क्षेत्रों में की जाती है। तो सबसे पहला है कि पाठ्य सामग्री के क्षेत्र में संसाधन सहभागिता, मतलब पुस्तकों के आदान प्रदान में भी हम क्या करते हैं संसाधन सहभागिता करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारियों में संसाधन सहभागिता। इसमें क्या होता है कि लाइब्रेरी स्टाफ दूसरी लाइब्रेरी में जाके कार्य को संपन्न करता है, उसे भी हम संसाधन सहभागिता कहते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी क्षेत्र में संसाधन सहभागिता, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह, कोई भी तकनीक वगैरह का भी हम क्या करते हैं लाइब्रेरी में सहयोग करते हैं, उसकी एक दूसरे में हम सहभागिता करते हैं। नेक्स्ट है सेमिनार सम्मेलन, इनके अंतर्गत भी हम क्या करते हैं संसाधन सहभागिता को अपनाते हैं। तो ये तो थे संसाधन सहभागिता के क्षेत्र। अब हम बात करेंगे इन्फ्लिपनेट की संसाधन में क्या भूमिका होती है। इन्फ्लिपनेट क्या है, इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है जिसको UGC ने बनाया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बनाया था, 1991 में इसकी स्थापना की थी। तो ये भी संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देता है। अब इसके कुछ उद्देश्य हैं इन्फ्लिपनेट के, जैसे सबसे पहला उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना, मतलब एक ऐसा राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना जिसमें सभी पुस्तकों को रखकर सभी को उपलब्ध कराई जा सके ऑनलाइन माध्यम से। नेक्स्ट है ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग बनाना, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग के थ्रू पुस्तकों की सूची के उसमें इंक्लूड करना ताकि यूजर उसको यूज कर सके। अब इन्फ्लिपनेट सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है, इसमें काफी सारा डेटा इंक्लूड होता है, जैसे SDI क्या है सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसकी यूजर मांग करता है। इसमें संचार आधारित सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है कम्युनिकेशन के आधार पर, और रेफरल सेवा भी प्रदान की जाती है। इनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा, आप बस अभी इतना समझो कि इन्फ्लिपनेट की संसाधन सहभागिता में क्या भूमिका होती है। फिर मेल की भी सेवा प्रदान करता है कि यदि किसी यूजर को कोई भी चीज़ मांगनी है या लेनी है तो वो मेल के थ्रू उस चीज़ को ले सकता है। EPG पाठशाला भी इन्फ्लिपनेट के द्वारा तैयार की जाती है, ये एक ऐसी सेवा है जिसमें PG जो लोग होते हैं, जो PG स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सामग्री उपलब्ध होती है। तो फ्रेंड्स, आज आपने संसाधन सहभागिता का अर्थ समझा, उसके लाभ समझे, उसकी आवश्यकता समझी, उसके उद्देश्य को समझा, उसके क्षेत्र को समझा, और इन्फ्लिपनेट की संसाधन सहभागिता में क्या भूमिका होती है इसको आपने समझा।
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, मैंने इसमें वर्ड लिमिट को भी बहुत ध्यान में रखा है, क्योंकि एग्जाम में हमें वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखना होता है। इसमें मैंने वही इन्फॉर्मेशन आपको दी है जो यूजेबल है और एकदम अच्छी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।